सनातन परंपरा से संबंधित शास्त्रों में वर्णन आता है कि दुनिया में 7 ऐसे चिरंजीवी हैं जो आज भी मौजूद हैं, जिनमें महावीर हनुमान जी भी शामिल हैं। मान्यता है कि श्री राम और माता सीता की सेवा से मिले वरदान के बाद श्री हनुमान जी अमर हो गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि पृथ्वी पर आखिर किस स्थान पे निवास करते हैं हनुमान जी, तो आइए गहराई से जानते हैं। कैलाश पर्वत के उत्तर दिशा में स्थित गंधमादन पर्वत पर कलयुग में हनुमान जी का निवास होगा, इस बात के प्रमाण कई जगह दिए गए हैं। कई साधुओं ने तो इस जगह पर तपस्या करके हनुमान जी के दर्शन साक्षात रूप में भी किए हैं, और पौराणिक कथा के अनुसार अपने अज्ञातवास को बिताने के लिए पांडव हिमवंत पार करके गंधमादन पर्वत पहुंचे थे, जहां भीम को साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए थे। दूसरा किष्किंधा पर्वत। उत्तर भारत के लोगों ने किष्किंधा का नाम तो बस रामायण में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन आपको बता दे कि कर्नाटक के कोपाल और बेलारी जिले के पास आज भी किष्किंधा क्षेत्र है, जहां एक पर्वत पर हनुमान जी की माता ने बैठकर तपस्या की थी। इस स्थान के बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं। आपको बता दे कि भगवान राम भी हनुमान जी से इसी स्थान पर मिले थे, और कलयुग में भी हनुमान जी कई साधुओं को यहाँ मिले हैं। तीसरा, इस बात को लोग स्वीकार कर चुके हैं कि कलयुग में हनुमान जी बाबा नीम करौरी के अंदर नजर आए थे। वैसे बाबा खुद को हनुमान जी के भक्त मानते थे, लेकिन बाबा के अंदर कई भक्तों को हनुमान जी ने दर्शन दिए हैं। आज भी बाबा के नैनीताल के मंदिर और लखनऊ वाले मंदिरों में कई चमत्कार जो हनुमान जी से जुड़े हुए हैं, वह होते रहते हैं। चौथा, वैसे शास्त्र बताते हैं कि जिन जगहों पर श्री राम का नाम सच्चे दिल से लिया जाता है, वहां हनुमान जी किसी ना किसी रूप में निश्चित विराजित होते हैं। कहा जाता है कि जहां रामायण का पाठ चल रहा होता है, वहां किसी ना किसी रूप में हनुमान जी आते हैं, जिसका उल्लेख खुद तुलसीदास जी ने भी किया है। पांचवा, रामायण में एक ऐसा जगह भी जिक्र है कि जब भगवान राम का धरती से जाने का समय हुआ, तो हनुमान जी भी इस जगत को छोड़ राम जी के साथ जाना चाहते थे। तब भगवान राम ने हनुमान जी को बोला कि प्रिय हनुमान, जो समय आगे आने वाला है, वह समय काल का होगा और कलयुग उसका नाम होगा, और तब धर्म का खात्मा हो रहा होगा। तब जो राम के भक्त होंगे, उसके दिल में तुमको रहना होगा, और इन राम भक्तों की लाज बचानी होगी। इसीलिए तभी से हनुमान जी श्री राम के भक्तों के दिलों में सदा विराजमान रहते हैं। आप यदि वाकई कलयुग में हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो आप निस्वार्थ भाव से प्रभु श्री राम की भक्ति करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।